एक बार फिर से गांव गांव और ढाणी ढाणी की खबरों की रुख करते हैं। बात करते हैं भीलवाड़ा की मांडल पंचायत समिति की। दरअसल यहाँ क्षेत्र में शनिवार देर शाम को ही बरसात से फसल को जीवनदान मिला है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर फैल गई है। बुआई के लिए ये बारिश वरदान साबित हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जालौर के रानीवाड़ा क्षेत्र में जलदाय विभाग के पानी खोलने के वॉल्व कचरे से अटे पड़े हैं, जिससे पाइपलाइन का पानी दूषित होने का खतरा बढ़ गया। वहीं जैसलमेर की फतेहगढ़ पंचायत समिति के ग्राम पंचायत देवड़ा में निर्मल भारत अभियान के तहत बड़े शौचालयों का समय पर भुगतान नहीं हो रहा, जिसकी ग्रामीणों ने जल्द ही भुगतान करने की मांग की है। चूरू जिले के सरदार शहर कस्बे में गांव बंधनाओं के ग्रामीणों ने गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पास स्थित शराब की दुकान हटवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ये लोग शराब की दुकान के आगे इकट्ठा हुए। विद्यालय के बच्चों और ग्रामीणों ने आबकारी विभाग और प्रशासन विरोधी नारे लगाए, साथ ही दुकान को हटाकर दूसरी जगह स्थापित करवाने की मांग रखी गई। बात करते हैं सिरोही जिले के रेवदर पंचायत समिति की। यहां पर दांतराई में इन दिनों एक से बढ़कर एक अतिक्रमण किए जा रहे हैं, जिससे सरकार को लाखों रुपए का घाटा सहन करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 6 की गलियों में अतिक्रमण का मामला थमा नहीं कि एक व्यक्ति ने वीवी हॉस्पिटल के पीछे बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करवा रहा है। पटवारी ने मौके पर जाकर इस काम को रुकवाया और काम को ना बंद करने के लिए और ना यहां पर करवाने के लिए पाबंदी कर दिया गया। बात करें जैसलमेर की रामगढ़ की, तो यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी की जा रही है। ग्राम पंचायत के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सार्वजनिक चौराहों के साथ मुख्य बाजार में कैमरे लगेंगे, जिस पर पुलिस 24 घंटे नजर रखेगी। अलवर के राजगढ़ कस्बे में जन जन के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ जी महाराज का 10 जुलाई आषाढ़ शुक्ला षष्ठी रविवार शाम को 8 बजे गंगाबाग स्थित मंदिर पर वरमाला महोत्सव होगा। इसी के साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान जगन्नाथ और माता जानकी परिणय सूत्र में बंध जाएंगे। भरतपुर की नदबई पंचायत समिति में अज्ञात वाहन ने राहगीर को टक्कर मार दी, जिसमें राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के हाथ पर वीरेंद्र बरोली रान लिखा हुआ है। इसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से शव को अस्पताल के मुर्दा घर में रखवा दिया है। हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर हुआ था। भरतपुर जिले की नदबई पंचायत समिति की बात करें, तो यहां पर अखिल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस पर जिला संयोजक दिनेश भात्रा के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर पौधारोपण किया। जिला संयोजक ने कहा कि पौधारोपण करना हमारा पहला धर्म। इस अवसर पर 108 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर सूरज खेरी अंकुर इस तरह के कार्यकर्ता मौजूद थे। उदयपुर के कोटड़ा कस्बे में केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय उदयपुर द्वारा कोटड़ा ग्राम पंचायत के गांधी मैदान में केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अलवर के तिजारा कस्बे के विकास पथमार्ग पर चौराहे का जाल टूटने से हादसे को न्योता दे रहे हैं, लेकिन नगर पालिका युवक को अवगत कराने के बाद जाल नहीं लगाया गया। झालावाड़ की खानपुर पंचायत समिति में झालावाड़ 12 मेघा हाईवे पर दुर्घटना में बचाव किया जाएगा। पेट्रोलिंग में घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाएगा। रिटकोर कंपनी ने एम्बुलेंस वाहन दिया है, जिसका सरपंच ललित राठौर ने फीता काटा। भरतपुर के डी क्षेत्र के गांव अऊ में स्थित राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को पूर्व जिला परिषद सदस्य तुलसीराम शर्मा के सानिध्य में पौधारोपण किया गया। इस दौरान तुलसीराम शर्मा ने बच्चों से ज्यादा संख्या में वृक्ष लगाने का आह्वान किया, क्योंकि वृक्ष धरती का श्रृंखार है, पेड़ ही धरती को संतुलित करने में सहायक भी है। बूंदी के नैनवा कस्बे में मेडिकल स्टोर्स पर धड़ल्ले से प्रतिबंधित दवाइयां बेची जा रही है। युवा पीढ़ी नशे का शिकार हो रही है, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये मेडिकल स्टोर वालों की चांदी हो रही है, संबंधित विभाग अधिकारी जानकर भी अनजान बन रहे हैं। नैनवा उपखंड के देई कस्बे का ये मामला है। चूरू की सालासर पंचायत समिति में अघोषित बिजली कटौती से कस्बेवासी परेशान हो रहे हैं। भीषण गर्मी में बिना बिजली के लोगों के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग है कि कोई ध्यान नहीं दे रहे। पाली के सुमेरपुर पंचायत समिति के सांडेराव ग्राम से बीजेपी ग्रामीण मंडल की बैठक जिलाध्यक्ष करण सिंह की अध्यक्षता में चामुंडा माता मंदिर में संपन्न हुई। बैठक में सरकार की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को ग्रामीण लोगों से संपर्क कर बताने पर बल दिया। राजसमंद के आमेट उपखंड के उप तहसील लावा सरदारगढ़ में स्थित बेशकीमती चारागाह भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। कई बार प्रशासन को ज्ञापन देने के बावजूद भी नहीं हटाया जा रहा।
श्री गंगानगर के साधु शहर पंचायत समिति के गांव लालगढ़ जाटान वार्ड नंबर 9 में बाबा रामदेव मंदिर के पास विद्युत ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसमें लगभग ग्रामीणों के 150 कनेक्शन लगे हैं। ज्यादा लोड के कारण विद्युत ट्रांसफार्मर खराब हो गया। पिछले 15 दिनों से बिजली कभी धीमी तो कभी तेज होने के कारण ग्रामीणों के बिजली के उपकरण भी जल चुके हैं। तो विद्युत विभाग कह रहा है कि ट्रांसफार्मर लाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, ग्रामीण साधु शहर से ट्रांसफार्मर लाकर दे देंगे तो बदल देंगे। अभी तक ट्रांसफार्मर ना तो ग्रामीणों ने लाकर दिया है ना ही विभाग ने बदला। करौली के बासलपुर में मुख्य रास्तों पर थड़ी ठल्ले वालों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे कि लोगों को रास्ते से निकलना ही मुश्किल हो गया। श्री गंगानगर की साधु शहर पंचायत समिति के गांव 34 एमजेडी में सरकारी स्कूल के शिक्षकों और बच्चों के अभिभावकों द्वारा सामूहिक रूप से स्कूल परिसर में पौधारोपण किया गया। तो स्कूल के अध्यापक ने बताया कि इस मौके पर 50 शीशम, 40 नीम, 20 गुलमोहर, 30 सुरेश और 10 जामुन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण के ठीक थोड़ी ही देर बाद आई बारिश ने सभी के चेहरों पर भी मुस्कान ला दी। भीलवाड़ा के सुवाना पंचायत समिति के गंगरोव कस्बे के मुख्य बाजार में दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण से लोगों को और वाहन चालकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों द्वारा शिकायत करने पर भी सुध लेने के लिए यहां पर कोई नहीं आता। कोटा के सुल्तानपुर के कई वार्डो में आम रास्तों पर कीचड़ से लोग परेशान है, लेकिन प्रशासन है कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा कस्बे के धार्मिक स्थल गोवनिया बालाजी मार्ग की सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मंगलवार शनिवार को मंदिर में भक्तों का जमावड़ा लगता है, तो यही खराब सड़क के कारण हादसे भी बढ़ रहे हैं। दो पहिया और चार पहिया वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार पालिका के अधिकारियों को इस खस्ताहाल मार्ग के बारे में अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं किया गया। राजसमंद के आमेट नगर पालिका में वीरपता सर्कल पर 13 जुलाई को विशाल शिरोमणि वीरोद्धिज्ञा जमलपता की कांस्य प्रतिमा का अनावरण होगा। बीकानेर की खाजवाला पंचायत समिति में महाविद्यालय खोलने की मांग को लेकर किसान संघर्ष समिति ने संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल को ज्ञापन सौंपा है। संयोजक सदाम हुसैन ने बताया कि आईटीआई कॉलेज बनकर तैयार है, जिसे इसी स्तर में शुरू करने के साथ ही क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने की मांग की गई। बीकानेर के नोखा कस्बे के मुंदड़ गांव की रोही में गजेंद्र सिंह के खेत में जबरन घुसकर मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया और चार आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने बताया कि जीवराज सिंह ने अपने भाई के खेत में वो वहां पर बैठा था, तभी गाड़ी में सवार होकर आए हमलावरों ने उस पर उसके भाई पर लाठी और बच्चे से हमला कर दिया। शोर मचाने पर हमलावर बंदूक से फायर कर वहां से भाग गए। सवाईमाधोपुर के खंडार में सरकार की पाबंदी के बाद भी बजरी का अवैध खनन हो रहा है, साथ ही रसूखदार लोग प्रशासन से मिली भगत कर बिना ठेके रॉयल्टी रसीद दिए बजरी वाहनों से हजारों रुपये की अवैध वसूली कर रहे हैं। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में केंद्र सरकार की उज्ज्वला गैस कनेक्शन स्कीम में गैस कनेक्शन लेने के लिए ग्रामीणों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बीकानेर की कोलायत पंचायत समिति में प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान के तहत यात्रा के स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच की गई। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने शिविर में बेटी के जन्म पर सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता राशि की जानकारी दी। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ कस्बे में खेत में जबरन काश्त करने को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि सुरेंद्र कुमार का एक खेत सारासर रोही में है और उसमें गवार की बुआई की गई थी। 6-7 लोग उसके खेत में जबरन घुसे, खेत को और उसकी पूरी फसल को नष्ट कर दिया गया। जालौर के सांचौर क्षेत्र के गुलासन में बनी 3 सड़कें अधूरी होने के बावजूद उद्घाटन कर दिया गया। सांसद देवजी पटेल, विधायक सुखराम बिश्नोई ने उद्घाटन किया और न संकेत बोर्ड लगे और न ही पटरी बनाई गई। जैसलमेर के नाचना में एक युवक ने कुछ युवकों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने और महिलाओं के साथ बदसलूकी करने का मामला दर्ज किया गया। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी उपखंड के माहिको का खेड़ा गांव में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। युवक अपने खेत पर काम कर रहा था, इस दौरान उसे करंट लग गया। उपचार के दौरान फेरूलाल ने दम तोड़ दिया। बाड़मेर के धोरीमाना पंचायत समिति में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस पर बाड़मेर जिले के धोरीमाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में गर्भवती महिलाएं पहुंची। डॉक्टर विष्णु बिश्नोई बीसीएमओ धोरीमन्ना के नेतृत्व में गायनिक सर्जन डॉक्टर बाबूलाल बिश्नोई बीएलएल हॉस्पिटल ने गर्भवती महिलाओं का इलाज किया। अभी वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।